क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास। अनुप्रास है आपका यहां पर, अनुप्रास, ठीक है। ए डी नंबर अनुप्रास है और बी नंबर उत्प्रेक्षा है। चार विकल्प बताना है आपको, क्योंकि ये दो विकल्प आपके ढक जाते हैं, है ना। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां आपका अलंकार हो जाता है कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार आपने पढ़े हैं, है ना, और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो उपमा अलंकार हो जाता है और ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है तो कौन सा रूप मिलता है। ईलाचंद जोशी, दोस्तों आपका जो डी नंबर है वो है मनोवैज्ञानिक, है ना, डी नंबर आपका मनोवैज्ञानिक है। अब आपको बताना है कि डी नंबर जो आपका ढक रहा है, और बी नंबर है अति यथार्थवाद, बी नंबर अति यथार्थवाद, डी नंबर मनोवैज्ञानिक, ए नंबर प्राकृतवाद और सी नंबर सामाजिक। तो यशवंत जी उत्तर क्या हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 103 का, तो कौन सा हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप मिलता है और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर जहां पर उपमेय में उपमाना की संभावना व्यक्त की जाए, है ना, संभावना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संभावना अगर व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा, और अगर आरोप आरोप लगाया जाए, आरोप रोप दिया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, बहुत बढ़िया बताया, है ना। इसी प्रकार से उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो उपमा अलंकार, और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही होगा, इसको सुधार लेना। अगर आरोप किया जाए तो आपका उपमा होता है, और संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं यहां पर कि ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का जो रूप मिलता है वो कौन सा मिलता है, मनोवैज्ञानिक मिलता है, यानी कि यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है। स्वच्छंदतावादी कवि बताना है, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर पंत हैं, कौन है स्वच्छंदतावादी कवि बतानी है प्रश्न क्रमांक 104 में। और 104 का उत्तर बताना है सर्वोत्तम जी, क्या हो जाएगा 104 में, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी बतानी है और प्रश्न क्रमांक 104 में। आपको पता होगा दोस्तों कि स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं प्रथम, वो माने जाते हैं श्रीधर पाठक, है ना, श्रीधर पाठक माने जाते हैं, जिन्होंने अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, श्रीधर पाठक, सी नंबर। और जयशंकर प्रसाद आपको पता है पंत, और ये महादेवी वर्मा, ये सभी काय के हैं, आपको पता है छायावाद युग के कवि माने जाते हैं, छायावाद के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है, और पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। ये सभी लोगों को पता है, कई बार हम बता भी चुके हैं, रट गए होंगे आपको। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, 70, 48, 3 या फिर 10, कितनी मानी है काव्य गुणों की संख्या। काव्य गुण और काव्य दोष, ये दोनों ही संख्या मानी है, कितनी मानी है। आपको पता होगा दोस्तों कि भूषण की एक रचना है, भूषण की एक रचना है, कौन सी, शिवराज भूषण, इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 105 मानी, 105 मानी थी अलंकारों की, लेकिन भरत मुनि ने जो मानी अलंकारों की संख्या वो 4 मानी,
और रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी और काव्य गुणों की जो संख्या मानी वो कितनी मानी, 10। 10 काव्य गुण इन्होंने माने, कितने माने, 10 दोष माने, काव्य दोष भी इन्होंने 10 माने और काव्य गुण भी इन्होंने कितने माने, 10 माने। तो याद रख लेना, काव्य गुण भी 10 माने हैं, काव्य दोष भी 10 माने हैं, अलंकारों की संख्या 4 मानी है, रसों की संख्या 8 मानी है। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, ये चीज सभी लोग याद रखेंगे। छंदमाला के रचयिता कौन है? छंदमाला यानी कि निराला है, केशवदास है, तुलसीदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं। छंदमाला के बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों, और वाल्मीकि रामायण तो आपने पढ़ी ही होगी, इसी की तर्ज पर तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, और दोस्तों छंदमाला के रचयिता हैं तो कौन है, 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है? केशवदास जी। केशवदास जी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केशवदास जी जो हैं ये छंदमाला के रचयिता माने जाते हैं और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का दोनों का कवि माना जाता है। इनकी एक रामचंद्रिका रचना है जो रीतिकाल और भक्तिकाल, भक्तिकाल के अंतर्गत आती है इनकी रामचंद्रिका, इसलिए इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का कवि माना जाता है केशवदास जी को। अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है दोस्तों? अलंकार संप्रदाय, अलंकार की बात हमने की है। अच्छा, 52 ने 20 गुण माने हैं, बहुत बढ़िया। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन हैं, भरत मुनि हैं, 52 हैं या फिर भामह हैं। अलंकार संप्रदाय दोस्तों आपको पता है रस संप्रदाय के कौन है? भरत मुनि, सबसे प्राचीन माना जाता है रस संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के कौन है आपको बताना है? ध्वनि संप्रदाय के जो है वो आनंद वर्धन है। ठीक है, रीति संप्रदाय के कौन है? रीति संप्रदाय के 52 हैं। तो अलंकार संप्रदाय के कौन होंगे? अलंकार संप्रदाय के आपके भामह हो जाएंगे, यानी आपका उत्तर डी नंबर यानी भामह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा सरल प्रश्न है आपके सामने कि छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है। दोस्तों आपने अभी तक 33 संचारी भाव पढ़े होंगे, 33 संचारी भाव पढ़ लिए, अब 34वां छल नामक जो 34वां संचारी भाव माना वो किसने माना है। 4 विकल्प है, 4 में से उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय ये रचनाएं भिखारी दास की हैं, कई बार पूछी गई हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रामचंद्र शुक्ल का राम हिंदी साहित्य का इतिहास है यश जी, है ना, और केशवदास जी जो हैं ये दोस्तों क्या माने जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, है ना, तो सभी लोगों को पता है। और देव कवि ने 34वां छल नामक भाव माना है, छल संचारी भाव माना है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ए नंबर सही है। मीरा की भक्ति मानी जाती है दास भाव की, माधुर भाव की, दैन्य भाव की या फिर साख्य भाव की, ये बतानी है दोस्तों। 4 विकल्प हैं, 109 का उत्तर बताना है और ज्वाइन मेंबर आपको जरूर बनना है दोस्तों। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, उनको ज्वाइन करना होगा। और 3 प्लान आपको दिए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, और 3 प्लान में से आपको चयन करना होगा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लान की राशि आपको 59 पे करनी होती है, 59 और 159 के आसपास जो है गोल्ड प्लान की, और 299 रुपये आपके करने होती हैं डायमंड प्लान की। तो जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन सदस्य बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मीरा की ये कई बार पूछी गई है, माधुर भाव की थी। ठीक है, याद रखेंगे, तुलसीदास की दास भाव की थी और साख भाव की सूरदास जी की थी। सूरदास जी की कई बार पूछी जाती कि इनकी भक्ति कैसी थी, सखा भाव की, तुलसीदास की दास भाव की, मीराबाई की माधुर भाव की। ठीक है, तो ये तीनों की याद रखेंगे। और अगला है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? नया विकल्प, साक्षात्कार, वसुधा या फिर वीणा का, कौन सी पत्रिका का होता है इंदौर से? प्रश्न क्रमांक 110 में आपको उत्तर बताना है। 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 110 और 110 का है वीणा। वीणा यानी कि जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, वीणा,
बीना जो पत्रिका है दोस्तों ये निकलती है कहां से, इंदौर से। इंदौर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया मृगावती, और आपको पता होगा कि जो मृगावती है इस मृगावती रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या माना है, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना, ठीक है, प्रथम रचना माना है और मृगावती को। और ये किसकी रचना है, तो मृगावती है दोस्तों किसकी, कुतुबन की, कुतुबन यानी कि बी नंबर सही होगा। और यहां पर आया है वन, और वन में आपको पता है कि जब बन गए थे राम जी वहां पर मृग को इन्होंने क्या मारा था, बाण मारा था मृग को, काय में मारा था, वन में, तो मृगावती मृग को वन में मारा था, तो कुतुबन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सूफी काव्यधारा की है। और यश रत्ती जी, सहस्रा जी, जे हमारे क्या हैं, ज्वाइंट मेंबर हैं, और इनको स्पेशल तिरंगा से नवाजा, तिरंगा जो है इमोजी दिया गया है, तिरंगा इमोजी, ठीक है। और इनका कमेंट हाईलाइट होता है चैनल पर, सारे कमेंट इनके एक साथ देखे जा सकते हैं, है ना, जो भी ये कमेंट लिखते हैं पूरे कमेंट एक साथ चैनल पर इनके देखे जा सकते हैं, जो भी ज्वाइंट मेंबर हैं। और सहस्रा जी, यश जी, ये हमारे ज्वाइंट मेंबर हैं हिंदी साहित्य ग्रुप से। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बुंदेली, मैथिली, खड़ी बोली या ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की तो मैंने आपको कई बार याद करवाई है कि जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली है, ब्रज भी निकली है ना, और बुंदेली भी निकली है, और खड़ी बोली भी निकली है, कन्नौजी भी निकली है, हरियाणवी भी निकली है, ये सारी भाषाएं पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मैथिली भाषा है, मैथिली बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, यानी कि ये पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है मैथिली, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मैथिली ही ऐसी एक भाषा है दोस्तों जो हिंदी की उपभाषा है, जो जिसे आठवीं अनुसूची में स्थान मिला है संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली को, है ना, और ये बिहारी हिंदी की भाषा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती, ब्रजभाषा, ब्रज बताना है, एटा में, झांसी में, आगरा में, या फिर मैनपुरी में, कहां पर नहीं बोले जाता, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। यस जी, वेरी गुड। तो आपको पता है एटा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, मैनपुरी में बोली जाती है, लेकिन झांसी में नहीं बोली जाती। झांसी में बोली जाती है कौन सी, बुंदेली, है ना, तो आपका जो सी नंबर है यहां पर झांसी में नहीं बोली जाती, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम नाटक बताना है ना, यहां पर ऐतिहासिक नाटक नहीं पूछा गया है आपसे, प्रथम नाटक पूछा गया है, और प्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन है, करुणालय है, कल्याणी है, या फिर प्रायश्चित है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन है, सज्जन, है ना, सज्जन इनका प्रथम नाटक है, बाकी कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, तो करुणालय, सज्जन, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और इनका एक ऐतिहासिक नाटक है कौन सा, राजश्री, राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक माना, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री, और प्रथम नाटक सज्जन, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और निम्न में से किसने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की है दोस्तों, समस्या प्रधान, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछी जाती है, मैं जब तक आपको बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा है इनकी एक रचना है मृगनयनी, मृगनयनी कई बार पूछी गई है कि मृगनयनी रचना के रचनाकार कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों, कौन, वृंदावन लाल वर्मा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया वृंदावन लाल वर्मा के बारे में, लेकिन समस्या प्रधान नाटकों की जो रचना की है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लक्ष्मी की समस्या तो सभी लोगों को रहती है ना, किसको रहती है लक्ष्मी की समस्या, सभी लोगों को है लक्ष्मी की समस्या, तो समस्या प्रधान नाटक भी लक्ष्मी नारायण ने लिखी है, यानी लिखा है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया, हिंदी प्रदीप, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी जब पत्र पत्रिकाएं याद करवाई थी ट्रिक से, कैसे याद करवाई थी, कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना,
प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो हमने याद करवाया था कि हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया वो किया है बालकृष्ण भट्ट ने, हिंदी के प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो भट्ट है ना, बालकृष्ण भट्ट, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है, बी नंबर। और प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त तो आपको पता है कि ये दोनों कड़ी तो वेदी युग भारतेंदु युग के बीच के माने जाते हैं, और ये बाकी ये सारे के सारे जो हैं ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट ये वरिष्ठ कवि माने जाते हैं भारतेंदु युग के, फिर सेकंड में भारतेंदु जी का नंबर आता है। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था और 1850 में हुआ था भारतेंदु जी का, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। आधे अधूरे नाटक किसकी नाट्य कृति है, आधे अधूरे दोस्तों आपको पता है इनका मोहन और राकेश का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है, आपको पता है मोहन भी लिया जाता और राकेश, आपने मोहन अकेला तो नहीं पढ़ा कि मोहन बस बोल दिया, मोहन राकेश, मोहन के बिना राकेश अधूरा है, राकेश के बिना मोहन अधूरा है, तो आधे अधूरे हैं एक दूसरे के बने, मोहन राकेश आधे अधूरे हैं, मोहन के बिना राकेश और राकेश के बिना मोहन अधूरे हैं, तो आधे अधूरे किसकी नाट्य कृति होगी, मोहन राकेश की, है ना। अब ऐसा तो नहीं सुना आपने मोहन बस ले लिया हो, ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर मोहन के बिना राकेश अधूरे हैं, अधूरे आधे अधूरे। और कवि और कविता निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है, कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तब आपको बताना है। कवि और कविता ये निबंध है, और इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वन वन एट का उत्तर बताना है कांता जी, उत्तर हो जाएगा कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला और 1920 तक ये इस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी याद रख लेना। और जब सरस्वती पत्रिका की बात आ ही गई है तो 1900 में ये सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी, इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष और प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फिलहाल कवि और कविता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको भी याद रखेंगे। आचरण की सभ्यता कई बार पूछा गया है दोस्तों, आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है, और आपको पता है कि पूर्ण आचरण कैसे होने चाहिए, आचरण जो होने चाहिए दोस्तों वो पूर्ण आचरण होनी चाहिए, आचरण बोले अच्छे आचरण करो, है ना, तो पूर्ण आचरण आपके अच्छे होने चाहिए, तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, पूर्ण सिंह की, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, पूर्ण आचरण अच्छे होनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों कि इनकी तीन कहानियां थी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, है ना, उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीन कहानियां लिखकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गए दोस्तों गुलेरी जी, और अपभ्रंश को जो है अगला बताना है कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध है। और आपको पता है दोस्तों कि जो मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे हैं वो किसने लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, आप सभी को पता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे, तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। और मनोविकार संबंधी जो निबंध है वो कौन सा है, करुणा आपको पता है। और मजदूरी और प्रेम, ये रचना भी कई बार पूछी जाती है दोस्तों, तो मजदूरी और जो प्रेम है ये भी पूर्ण सिंह की है, किसकी है, पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। मैंने आपको याद करवाया था कि ना तो मजदूरी पूर्ण मिलती है और ना ही प्रेम पूर्ण मिलता है ना, सभी लोग बोलते हैं कि प्रेम पूर्ण नहीं मिलता है और मजदूरी भी पूर्ण नहीं मिलती है, पूर्ण नहीं मिलती है तो पूर्ण सरदार पूर्ण सिंह, ये रचना इनकी है, कई बार पूछी गई है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों इनमें से निराला की कविता कौन सी है, निराला कवि है ना, और ये निराला जी महादेवी वर्मा के मोह बोले भाई थे, एक बार मैंने
ग्रुप में डाला था, क्या डाला था कि एक बार क्या हुआ कि निराला जी के पास जितने भी पैसे रहते थे दूसरों की मदद में, ये दूसरों को दे देते थे और खुद क्या बन जाते थे, फक्कड़ बन जाते थे, है ना। अब जब एक बार रिक्शा से महादेवी वर्मा जी के पास राखी के दिन आए तो इनके पास रिक्शे के पैसे नहीं थे, तब इन्होंने महादेवी जी से मांगे थे, कितने रुपए, 12 रुपए मांगे थे, और इन्होंने कहा कि पैसे 12 रुपए दो। बोले 12 रुपए की क्यों, क्या आवश्यकता आन पड़ी, तो इन्होंने कहा कि 2 रुपए रिक्शे वाले को देना है और 10 रुपए राखी बंधाई की आपको देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों महादेवी जी, इनकी महादेवी जी के क्या थे, मोह बोले भाई थे निराला जी। और निराला की कविता कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपको पता है नौका बिहार, और नौका बिहार किसकी है, तो पंत की है, पंत की नौका बिहार है, ठीक है। और निराला की कुकुर मुत्ता है, जूही की कली भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रचनाएं याद करना है, और जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना इनकी मानी जाती है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पंकज सिंह जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्या बात है, ज्वाइन हो जाओ। छायावादी बृहत्रयी में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है, छायावादी बृहत्रयी मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों, बृहत्रयी याद करवाई थी, प्रगतिवादी छायावादी, तो छायावादी बृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, और यहाँ पर निराला फिर आ गया है यहाँ पर। तो बृहत्रयी में जब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद है ना, तो यहाँ पर बृहत्रयी में शामिल नहीं है महादेवी वर्मा, छायावादी बृहत्रयी में महादेवी वर्मा जी जो है। हाँ, मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा, बहुत बढ़िया यश जी, है ना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निराला जी ने कहा था कि मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा, और महादेवी वर्मा जी ये बृहत्रयी में शामिल नहीं है। और अगला है दोस्तों कामायनी, किस प्रकार का महाकाव्य है कामायनी, तो एक कामायनी पूछा जाता है, और कामायनी आपको बताना है किस प्रकार का महाकाव्य है, कथा प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा है। तो कामायनी दोस्तों ये माना जाता है आपका कैसा, ये भाव प्रधान माना जाता है, कामायनी भाव प्रधान है, भाव प्रधान, और आप अपने भावों से ही कामना करते हो, जय शंकर जी की भावों से कामना करते हैं भगवान, है ना, भावों से ही करते हो, तो आपका भाव प्रधान रचना हो जाएगी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, 15 इसमें सर्ग है, 1935 इसका रचना काल है ना कामायनी का, तो कामायनी के बारे में ये भी याद रखनी है। और अगला बतानी है गोदान उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है, बी नंबर का आपका विकल्प है होरी, और डी नंबर का आपका विकल्प है मेहता, तो कौन सा पात्र नहीं है गोदान उपन्यास का, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य बताया है, है ना। मधुराज यादव जी जब आप ज्वाइन करते हो ज्वाइन, तो ये क्लास जो आपको मिल रही है पब्लिकली, ये क्लास अगर आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा, केवल ज्वाइन मेंबर को ही मिलेगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को मिलेगी। तो जैसे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो आपका कमेंट हाईलाइट किया जाएगा, जो भी आप पूछना चाहते हो वो कमेंट आपके एक साथ चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जो ज्वाइन में ही मिलेंगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को ही मिल पाएंगी, बाकी उधर मेंबर को नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, तो वो नहीं है सूरदास, ठीक है। सूरदास यानी कि ये रंगभूमि का है, रंगभूमि का, है ना, रंगभूमि का हमने पढ़ा था कि रंगभूमि का पात्र है सूरदास, बाकी धनिया, होरी और मेहता ये सभी काय के पात्र माने जाते हैं, गोदान उपन्यास के माने जाते हैं, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। नीला चंद्र में से इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास बताना है, तो फिर क्या हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास कौन सा है, ईलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञे हैं, फणीसुन्नाथ रेणु हैं। पंकज जी को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ज्वाइन, आंचलिक उपन्यासकार कौन है, अलग अलग अमाउंट में सुविधाएं भी हैं, और एक्स्ट्रा गोल्ड में एक्स्ट्रा सुविधा है, आप व्हाट्सएप आपके सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, है ना, और भी एक्स्ट्रा हैं, उसमें लिखा होगा पूरा कि किस प्रकार से क्या आपको मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा। और फणीसुन्नाथ रेणु यानी डी नंबर, ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीसुन्नाथ रेणु साहब, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर।
फणी सुन्नाथ रेणु, है ना। और ये अज्ञे जैनेन्द्र कुमार और ईला चंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी माना जाते हैं, ठीक है। अगला है आपको बताना है रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी बतानी है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर इंसा अल्लाह खां। कौन है रानी केतकी की कहानी? रानी केतकी की कहानी इंसा और अल्लाह ने भी सुनी है, है ना। इंसा ने भी सुनी है और अल्लाह भी ने सुनी है, तो सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है, ठीक है। इंसा अल्लाह खां यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। यहां पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाबू तोताराम हैं, केशवराम भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं, कौन है? आपको प्राप्त करना है पिछली क्लासें तो चैनल पर जाएं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में सुबह 9:30 बजे वाला भी आपको सेशन मिलेगा, जिसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे ऑप्शन निकल करके आएंगे, और आप जौन सा प्लान लेना चाहते हैं उस प्लान पर क्लिक करेंगे, है ना, तो आपको उस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। और शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी की, ठीक है। अगला है रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? रसिक प्रिया की रचयिता मलूक दास हैं, दादू दयाल हैं, बिहारी लाल हैं या फिर केशव दास हैं, कौन है रसिक प्रिया की रचयिता? 128 का आंसर। तो सभी लोगों को पता है, चाहे रसिक प्रिया हो, कवि प्रिया हो, रामचंद्रिका हो, विज्ञान गीता हो, छंदमाला हो, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशव दास जी की हैं, है ना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये किसकी हैं? सभी केशव दास जी की, है ना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। और कुटज की रचयिता बताना है, कुटज शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्या निवास मिश्र, कौन है कुटज की रचयिता? सहस्रा जी, चार विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 129 का उत्तर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो हम पढ़ लेते हैं सीरीज के फूल भी इन्हीं की रचना है, सीरीज के फूल, अशोक के फूल, है ना, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कोटज, है ना, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारी की सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी साथी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में 9098609291 ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जो साथी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, है ना। सुबह 9:30 बजे होती है ना। सूरज जी भानु की रचनाकार कौन है? आंसू के बताना है आपको, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब हैं या फिर जयशंकर प्रसाद या मैत्रीचरण गुप्त जी हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू काव्य की रचनाकार बताना है, यानी कि 130 का उत्तर बताना है, और बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद, है ना। आंसू काव्य जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये छायावाद के क्या माने जाते हैं? मधुराज यादव जी भी ज्वाइन बटन से जुड़ चुके हैं, धन्यवाद, है ना। आंसू काव्य के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये तीनों ही छायावाद के आधार स्तंभ हैं। मैत्रीचरण दोस्तों आपको पता है कि ये जो है राष्ट्रकवि हैं, दद्दा इनका उपनाम है, है ना, दद्दा और मधोप, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको रट भी गया होगा, ठीक है। और आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और छायावाद के प्रवर्तक भी ईला चंद्र जोशी ने इन्हें माना है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, बिहारी हैं, कबीर हैं या फिर रहीम हैं? चंदन विष व्यापत नहीं
लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता बताने हमें यहां पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वाइन बटन पर जाएं, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें कुवारी कुरैशी जी, है ना, और वहां पर आपको प्लान दिया होगा, आप प्लान देख लें, सिल्वर गोल्ड और डायमंड, है ना। फिर आपको उसमें से आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का जो है विवरण भरना होता है, तो ज्वाइन बटन पर सबसे पहले तो क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी होती है। हाँ, आज तार सप्तक का जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और रहीम यानी कि कल आपका तार सप्तक का वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर चंदन विष व्यापत नहीं, ये किसकी है, रहीम की है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला बताना, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चित्तबत एक बार, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बतानी है आपको किसकी है। अमीय हलाहल मद भरे, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, कई बार पूछी भी गई है, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, आलम साहब की है, बिहारी की है, मतिराम या फिर रसलीन की है, एटीएम कार्ड से हो जाएगा, एटीएम से। और प्रश्न क्रमांक आपको पता है, अमीय हलाहल मद भरे यानी कि रसलीन, रसलीन यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, याद करने की सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं। अमीय, अमीय से आप लेंगे कि अमीय से अपन बोलते ना आम, है ना, आम, और आम में क्या होता है, रस होता है, रस, आम में क्या होता है, रस होता है, तो रसलीन, है ना, अमीय हलाहल मद भरे, इस प्रकार से हमें ट्रिक भी देख लेना है, याद भी कर लेना है ना। अगला है, जब 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 हो धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, रसकान, बिहारी, तुलसीदास या फिर कबीर, चार विकल्प हैं, 133 का उत्तर बताना है। देखो ज्वाइन मेंबर का आपको बता रहा हूं कि जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं उनके कमेंट मुझे एक साथ मिलते हैं, जितने भी उनके कमेंट होते हैं वो मुझे एक साथ देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ज्वाइन वालों के लिए जो सेशन है वो अलग से चलेगा, यानी कि ज्वाइन मेंबर के जो वीडियो हैं वो केवल ज्वाइन मेंबर ही देख पाएंगे, दूसरे मेंबर नहीं देख पाएंगे, है ना। और तो ज्वाइन मेंबर के लाने लिए और भी है, आपको हाई, आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट होता है, आपको इमोजी दिया जाता है स्पेशल, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में आपको पता है कि जो तुलसीदास जी हैं राम काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, रचयिता बताना है, रसखान जी हैं, विहारी हैं, तुलसी हैं या फिर मीरा हैं, चार विकल्प हैं, यानी कि 134 का उत्तर आपको बताना है, 134 में प्रश्न क्रमांक बताना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसमें जो ये पंक्ति हो जाएगी ये भी किसकी है, तुलसीदास जी की ही है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आदि काल कह दिया, वीरगाथा, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, क्या कह दिया है। और दोस्तों जो विवेक शंकर की बुक मैंने आपको बताई थी वो अवेलेबल हो गई है ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, तो ऑनलाइन आप लोग खरीद सकते हैं किसकी, विवेक शंकर की बुक को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो नाम दिया वीरगाथा काल, आदि काल जो नाम दिया गया हजारी प्रसाद द्वारा, चारण काल जो नाम दिया गया राम कुमार वर्मा ग्रियर्सन द्वारा, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो वीरगाथा काल यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। और अगला है, वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है। अब वीरगाथा काल के कवि तो आप सभी को पता है, सारे कवि पता है, आप गणपति सारीभद्र सूरी से लेकर आप चंद्रबरदाई तक सारे के सारे कवि आपको पता है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वीरगाथा काल के
जो कभी नहीं है। जैसे आपने पढ़ा था कि जो नामदेव हैं, नामदेव ये भक्ति काल के माने जाते हैं, मधुकर हैं, जगनक हैं, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तो नामदेव ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है और बी नंबर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई, जगनक, दलपति विजय या फिर विद्यापति कौन माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताना है यहाँ पर। और दलपति विजय इनकी एक खुमाण रासो रचना है, कौन सी है, खुमाण रासो, खुमाण रासो है। जगनक की तो आला खंड आपको पता है, ठीक है, परमाल रासो जिसे कहा जाता है। विद्यापति की तीन प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, पदलता पताका, चंद्रवरदाई की तो पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है। ठीक है, तो वीरगाथा काल की सर्वश्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है वो कवि माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई माने जाते हैं, यानी आपका उत्तर होगा ए नंबर। और चंद्रवरदाई का जो महाकाव्य है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो अधिकांश लोगों को पता है, है ना, जयदेव हैं, जगनक हैं, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, ये चार विकल्प हैं। और चार में से आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी का ग्रंथ है ना, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कबीर की भाषा क्या थी, कबीर की भाषा क्या थी ये बतानी है, ब्रज थी, कन्नौजी थी, खड़ी थी या फिर साधुकड़ी थी, कौन सी थी कबीर दास की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 139 का उत्तर बताना है। और दोस्तों ये साधुकड़ी भाषा किसने कहा है, कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा है। कबीरदास जी की जो भाषा मानी जाती है वो साधुकड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे साधुकड़ी किसने कहा। प्रश्न क्रमांक 139 का आपका उत्तर बताना है, साधुकड़ी इसे किसने कहा है, आपको ही उसका चयन करना है और बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर, ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, ये पंक्ति आपको बतानी है तुलसीदास जी की है, जायसी की है, जयशंकर प्रसाद जी की या कबीरदास जी, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है आपको बताना है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर, हाँ वेरी गुड, शुक्ल जी ने साधुकड़ी भाषा कहा है, बिल्कुल याद रख लेना है। हमने पढ़ा था कि पंचमेल खिचड़ी कहा था किसने, श्याम सुंदर दास ने, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, साधुकड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा जायसी, ठीक है, जायसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, जायसी बिल्कुल सही हो जाएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नगहीरे, जायसी जी की पंक्ति है। और जायसी जी का एक काव्य है, कौन सा काव्य है दोस्तों, कौन सा है, पद्मावत, है ना, पद्मावत है। और पद्मावत इनका श्रेष्ठ महाकाव्य और हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है पद्मावत, ठीक है, तो याद रखना है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, शिवा बावनी, पद्माकर, केशवदास, भूषण या फिर जगनक, प्रश्न क्रमांक 141 का उत्तर हमें बताना है, शिवा बावनी की रचनाकार, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये रचना। और इस रचना के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, भूषण जी, है ना, शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। और रीति काल में एकमात्र ऐसा वीर रस का कविता भूषण जिसका उपनाम कहीं कहीं मणिराम, कुछ विद्वान मणिराम भी मानते हैं और कुछ विद्वान घनश्याम भी मानते हैं ना, घनश्याम तो कुछ, घनश्याम तो कुछ मणिराम, है ना, तो ये शिवा बावनी की रचनाकार भूषण जी माने जाते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक भी इन्हीं की रचना है भूषण जी की। नर की और नर नील की गति ये की कर जोए, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचो होए, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है, और आपको पता है दोस्तों वो कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है ना, रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है और उसकी एक रचना है बिहारी सत्सई
है ना बिहारी सत्सई और विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई वो बिहारी सत्सई की लिखी गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और बिहारी सत्सई में 713 दोहे मिलते हैं कहीं कहीं और 719 दोहे भी मिलते हैं। और नर की और नर नील की ये जो पंक्ति है वो बिहारी लाल की है। बिहारी यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि सकीबे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। सकीबे मुझसे कहकर जाते अज्ञे की है ना हरियोद की है या फिर मैत्री शरण गुप्त की या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपने यशोधरा खंड काव्य पढ़ा होगा, यशोधरा खंड काव्य होते हुए भी ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन ये खंड काव्य है यशोधरा। और यशोधरा में हम पंक्ति पढ़ते हैं कि सखी बे मुझसे कहकर जाते, सखी बे मुझसे कहकर जाते। और आपकी जो विकल्प नंबर होगा क्या होगा, बी नंबर यानी मैत्री शरण गुप्त। याद रख लेना मैत्री शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। और गुप्त जी का उपनाम मैं आपको हमेशा रटवा रहा हूँ, मधोप और दद्दा, दद्दा भी इन्हें कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता था, कलाधर है ना। और ये दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरियोद, हरियोद इनका अयोध्या से उपाध्याय का उपनाम है। अज्ञे सचिदानंद हीरानंद वासायन का उपनाम है, ठीक है। तो ये उपनाम का वीडियो मैंने आपको दिया है, ट्रिकी वीडियो दिया है, तो वो ट्रिकी वीडियो भी आपको देख लेना है। उपनाम वाला, कवियों के उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे तो कौन थे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले बताना है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो छंद मुक्त रचना थी निराला जी की वो कौन सी थी, छंद मुक्त रचना वो कौन सी थी, छंद मुक्त रचना थी तो वो थी दोस्तों आपकी जूही की कली, है ना, जूही की कली, जूही की कली याद रख लेना है। ये छंद मुक्त रचना थी किसकी, निराला की। तो कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले हैं तो वो कौन है, निराला जी। और निराला जी के बारे में रक्षाबंधन की मैंने आपको कहानी ही बनाई थी, इन्होंने कहा था कि हम जैसे फक्कड़ को कौन भाई बनाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति, इन्होंने लंबा शोक गीत लिखा है सरोज स्मृति, ये भी आपको याद रखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दोस्तों इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है निराला जी को, तो इनके बारे में याद रख लेना है निराला जी के बारे में। और तितली किसकी रचना है, तितली बतानी है, तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न क्रमांक 145 तितली बहुत ही बढ़िया है ये रचना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तितली के बारे में आपको बताना है। और तितली एक किसकी रचना है। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है, 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। और तितली ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, प्रसाद जी का है ना। इनके नाटक हम पढ़ लेते हैं, सज्जन है, राजश्री है ना, कल्याणी है, और बहुत सारे नाटक हैं, इनके नाटक तो हमें याद रख लेना है। हाँ, कंकाल तितली और इरावती, कंकाल तितली और इरावती ये इनके उपन्यास हैं, बहुत बढ़िया। किसके उपन्यास हैं, ये उपन्यास हैं प्रसाद जी के, कंकाल तितली और इरावती, इनको याद रखेंगे। और अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र, हाँ बताना है अतीत के चलचित्र रचनाकार कौन है। और दोस्तों आपको बताना है कि कंकाल तितली और इरावती में जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी का, इन तीनों में से बताना अधूरा उपन्यास कौन सा है। और अतीत के चलचित्र ये जो रचना है ये किसकी है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करवाया था, क्या करवाया था कि अतीत के गर्त से आपको कौन निकालेंगी, कौन निकालेंगी, महादेवी जी, महादेवी जी निकालेंगी, तो महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र यानी कि महादेवी वर्मा। और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इरावती अधूरा है, अंकुर जी वेरी गुड, इरावती क्या है, अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का इरावती, तो इरावती को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव की रचयिता कौन है, पल्लव, पल्लव बताना है दोस्तों, छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। पल्लव को ये कई बार रचना पूछी गई है, और सुमित्रानंदन ये पंत की है,
निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर महादेवी वर्मा की है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश पाल जी पल्लव की रचयिता। और सभी लोग ज्वाइन मेंबर जरूर बनेंगे, ज्वाइन बटन को जरूर दोस्तों आपको क्या करना है, खरीदना है ना, और ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं चैनल के, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर बने। और सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है पल्लव, ठीक है, इनकी युगवाणी है, ग्राम्या है, ग्रंथी है, ठीक है, पंत की प्रकृति के चितेरे कवि इन्हें कहा जाता है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको जॉय सर निरंतर टेस्ट करवाते हैं, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको नंबर दे ही दिया है 9098609291, इस नंबर पर आप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी तुरंत ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम की। तो चिंतामणि के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मनोविकार पर आधारित जो निबंध लिखे हैं, मनोविकार पर आधारित वो किसने लिखे हैं? तो वो शुक्ल जी ने लिखे हैं, है ना। जैसे करुणा की बात करें, करुणा भी इनका है, शुक्ल जी का मनोविकार पर आधारित है। और यहाँ पर सी नंबर चिंतामणि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। और अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ये जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है दोस्तों, और ये नाटक किसका है ये बताना है, सेठ गोविंद दास का है, जयशंकर प्रसाद जी का है या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का, ये फिर गोविंद बल्लभ पंत का है। कौन सा? जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये कृति बतानी है, बहुत ही बढ़िया कृति है और पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है दोस्तों। और आपको पता है कि यहां पर एक शब्द आया है नांग, कौन सा शब्द आया है? नांग। और नांग आपको पता है किसके गले में पड़ा रहता है? शंकर जी के। तो कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। बोले नांग आया है और नांग शंकर जी के गले में है, तो जयशंकर प्रसाद, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, है ना, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के बताना है सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर हैं। और मैंने आपको बताया है कई बार कि हम दीवाने हैं किसके? भगवती के। हम किसके दीवाने हैं? भगवती के दीवाने। आप बोलते हैं ना कि दीवाना तेरा आया बाबा तेरे मंदिर में, इस प्रकार से माता तेरा मंदिर, इस प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया भजन है, देवी गीत है, है ना। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। तो ये भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले यहाँ पर विकल्प अनुसार बताना है दोस्तों आपको, है ना, चार विकल्प हैं, चार विकल्प अनुसार इनमें से निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, ये चीज आपको बतानी है। चार विकल्प हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सबसे पहले आत्मकथा लिखी राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, ऐसे बता देते हैं, लेकिन आपको पता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अर्धकथानक, है ना, अर्धकथानक मानी जाती है। कौन की मानी जाती है अर्धकथानक? बनारसीदास जैन जी की मानी जाती है, ठीक है, अर्धकथानक। और दोस्तों ये आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सत्य की खोज लिखी है किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। सत्य की खोज, तो सत्य की खोज डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसीदास जैन की मानी जाती है। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया है, कहाँ से ली गई है, कौन से खंड काव्य से ली गई है, कौन सी रचना से ली गई है, ये चीज हमें बतानी है। और जिन भी साथियों ने पुराने ओल्ड पे वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, ट्रिकी वीडियो की आपकी 25 यानी कि 25 वीडियो ट्रिकी वीडियो के पहुंच चुके हैं आपके, जिसमें हमने साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं पढ़ी, कवियों के उपनाम पढ़े, व्यास सम्मान पढ़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचनाएं पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा। और वो ट्रिकी वीडियो आपके अमेजिंग वीडियो हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो हैं। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये तो कई बार पंक्ति पूछी गई यशोधरा की, यशोधरा यानी कि जो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये यशोधरा की है, यशोधरा।
यशोधरा से पंक्ति ली गई है। और हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये पंक्ति किसकी रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है दोस्तों कि हिमालय के आंगन में जो है उसे प्रथम किरणों का देव उपहार उषा ने अभिवादन किया। तो 153 और 153 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उषा प्रथम किरणों का देव उपहार। हिमालय आया है दोस्तों, हिमालय पर्वत, ऐसे ही कैलाश पर्वत था, हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत है ना। और कैलाश पर्वत पे जाकर कौन बैठ गए थे? शंकर जी तपस्या करने बैठ गए थे। तो हिमालय पर्वत आ रही है, हिमालय की बात आ रही है, कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत ये पर्वत हैं। और जयशंकर जी, शंकर जी बैठ गए थे, तो शंकर जी प्रसाद जयशंकर प्रसाद का होगा। आलवार भक्तों की संख्या बतानी है, मानी कि 150 का उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि रामानंद के शिष्य 12 है ना, आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी आप बता देना है ना। और साकेत में जो आपके ग्रंथ है, साकेत में जो आपके सर्ग हैं वो भी आपके 12 हैं है ना। और 12 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी बार आया है, बार को कर दो 12 तो क्या हो जाएगा? 12 आलवार भक्तों की संख्या 12, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बार आया है और बार 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 आ रहा है, और बार बार मतलब 12, ठीक है 12 है आलवार भक्तों की संख्या। याद रखेंगे, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? भक्ति का वेदों में मिलता है, सूक्त में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर मिलता है भक्ति का सब सर्वप्रथम उल्लेख बताना है। और आपने तो वेद तो आपने पढ़े हैं, वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ना, सभी लोगों ने पढ़े हैं। और भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है उपनिषद में। कहाँ पर मिलता है? उपनिषद, यानी कि जो आपका बी नंबर है उपनिषद बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति का उल्लेख मिलता है आपका उपनिषद में, ठीक है बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संत काव्यधारा को ज्ञानश्रय किस विद्वान ने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि संत काव्यधारा जो है, जिन्हें ज्ञानश्रय शाखा भी कहा जाता है, भक्ति काल की एक काव्यधारा है, ठीक है। और एक काव्यधारा को जो ज्ञानश्रय शाखा कहा है तो वो किसने कहा है, ये चीज बतानी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 156 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प है, 4 आलोचक हैं थे, और चारों में से आपका जो उत्तर जा रहा है वो क्या जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने ज्ञानश्रय शाखा कहा दोस्तों इसे, ठीक है। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संत काव्यधारा को ज्ञानश्रय कहने वाले जो विद्वान थे वो थे शुक्ल जी। संत शब्द को सत साम्य किसने माना है? संत शब्द को सत साम्य मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल थे, आचार्य शुक्ल थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, या परमेश्वर चतुर्वेदी थे? कौन थे संत शब्द को सत साम्य मानने वाले? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और संत शब्द को सत साम्य मान लिया, और वो माना है किसने? परमेश्वर चतुर्वेदी ने सत साम्य माना संत शब्द को। और दोस्तों हम क्या मान लेते हैं संतों को? परमेश्वर की उपमा दे देते हैं। और परमेश्वर चतुर्वेदी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है डी नंबर सही होगा। पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर नाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी कि 58। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या बतानी है, 12 है, 14 है, 13 है, या फिर 12 है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो आपका नाथ पंथ था, नाथ पंथ और नाथ पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मतेंद्र नाथ माने जाते हैं, और प्रमुख जो माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं, मतेंद्र नाथ के मच्छेंद्र नाथ, मतेंद्र नाथ ये उन्हीं के उपनाम हैं। और मच्छेंद्र नाथ के जो शिष्य थे वो गोरखनाथ थे, ठीक है। और गोरखनाथ के जो ग्रंथों की संख्या मानी वो कितनी मानी है? 14 मानी है। किसने? पीताम्बर नाथ बर्थवाल साहब ने 14 मानी है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी या फिर सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है? हठ योग दर्शन की गोरखनाथ ने की है, सरहपा ने की है, लुईपा ने की है, इनमें से कुछ किसी ने भी नहीं की। हठ योग दर्शन की व्याख्या करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है?
चार में से चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। कल सुबह आपका तार सप्तक का वीडियो आएगा, है ना, तार सप्तक का जो कवि हैं उनका टिरकी वीडियो आएगा सुबह 9:30 बजे, और रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है, अध्ययन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। और एक हमने वीडियो आपको दिया है सहस्रा जी काय वाला दिया है, मिलती जुलती रचनाएं वाले, जैसे हम बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती एक ही नाम वाली होती हैं, विभिन्न विद्वानों की होती हैं, विभिन्न कवियों की होती हैं, मिलती जुलती रचनाएं, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जब मैं किसी रचना का कभी बताता हूं तो आप बोलते हो सर ये रचना तो उसकी है, तो मिलती जुलती रचना वाला जो वीडियो है वो सभी को देखना है। और इसके हठयोग दर्शन की जो व्याख्या की है वो किसने की है, गोरखनाथ ने की है, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी है, हठयोग मानी है, है ना, पत्नी के प्रति अनादर माना है, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर माना है, या क्या माना है। प्रश्न क्रमांक 160 का आंसर आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी है वो मानी है गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुराज जी, यस जी, सहस्रा जी, ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे, है ना, और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर आपका बिल्कुल सही है। जायसी की रचना पद्मावत को मसनबी शैली में किसने माना है, दोस्तों बहुत ही बढ़िया है पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है, है ना, अवधी भाषा का है, और मसनबी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन है, नगेंद्र ने माना है, शुक्ल ने माना है, विजय देव नारायण शाही ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, तो किसने माना है। जायसी की रचना पद्मावत को मसनबी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन है मसनबी शैली में, और मसनबी शैली में माना है किसने, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की जो शैली माना है वो मसनबी शैली, और ये अवधी भाषा का महाकाव्य है, ठीक है, याद रख लेना, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी यही माना जाता है पद्मावत, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है, कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता धर्मदास हैं, नाभादास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या इनमें से कोई नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आप हम पढ़ते हैं कि जो नाभादास जी हैं, नाभादास जी, इनकी एक रचना है भक्तमाल, जो आपकी हमेशा पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है, भक्तमाल नाभादास की रचना है। और कबीर की रचनाओं के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, धर्मदास, धर्मदास, यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मदास कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता माने जाते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही है। किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है, विशिष्टाद्वैत से बताना है। विशिष्टाद्वैत बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों, विशिष्ट हैं कौन, रामानुजाचार, रामानुजाचार माने जाते हैं, है ना, विशिष्टाद्वैत के और श्री संप्रदाय के। और मैंने संप्रदाय भी आपको याद करवाए हैं, दर्शन भी याद करवाए हैं, सिद्धांत भी याद करवाए हैं, तो वीडियो जरूर देख लेना। और किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है, तो विशिष्टाद्वैत से जो संबंध है दोस्तों वो दास भाव, दास भाव, यानी कि आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम पढ़ लेते हैं कि दास भाव, है ना, दास भाव की जो भक्ति है, दास भाव की भक्ति, वो दास भाव की जो भक्ति है वो तुलसीदास जी की है, है ना, तुलसीदास जी की है। और सखा भाव की जो भक्ति है, सखा भाव की, ये सूरदास जी की है। और माधुर भाव की जो भक्ति है वो मीराबाई की है। ये भक्तियाँ भी कई बार पूछी गई हैं, मीराबाई की माधुर, है ना, तुलसीदास की दास भाव और सूरदास की सखा भाव की, है ना, याद रखना। रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, रीति मुक्त कवि बताना, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, बिहारी, ठाकुर, बोधा या फिर घनानंद, इनमें से चार में से बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 164 है, और 164 का आपका बिल्कुल सही है कि जो ठाकुर हैं, बोधा हैं, घनानंद हैं, ये तो सभी रीति मुक्त हैं, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिहारी जी। और रीति काल को कलाकाल किसने कहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कलाकाल जो कहने वाले हैं वो कौन है, है ना, श्रृंगार काल तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में लोग श्रृंगार करते हैं, विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं,
तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा है ना, और दोस्तों जो कलाकाल कहा वो किसने कहा है तो याद रख लेना है, किसने कहा है जल्दी बताओ, कलाकाल कहा है भागीरथ मिश्र ने, भागीरथ मिश्र यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अलंकृत काल किसने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने है ना, और कलाकाल कहा भागीरथ मिश्र ने, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मिश्र साहब ने है ना इसे कलाकाल कहा, बी नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है अखरावट किसकी रचना है, अखरावट है ना, अखरावट बताना है, अखरावट पद्मावत ये रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं किसकी हैं है ना, और ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी साहब, जायसी यानी कि जो विकल्प नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और अखरावट इन्हीं की रचना है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख, तुलसीदास जी राम काव्यधारा के प्रमुख, कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख, ये तीनों ही शाखाएं चली दोस्तों किसमें, भक्ति काल में, और अखरावट रचना आपसे पूछी गई तो अखरावट आपने बता दी कि सर ये तो जायसी जी की है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अपनी रचनाओं में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी या फिर सूरदास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है प्रदीप जी है ना, कंचन जी, प्रश्न क्रमांक 167 का जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा जायसी। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जायसी, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये कथन किसका है, ये चीज हमें बतानी है। चार विकल्प हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये कथन किसका है, आचार्य शुक्ल जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर रामकुमार वर्मा का है। तो आपका राइट आंसर आपको बताना है चार विकल्पों के माध्यम से, उत्तर क्या हो जाएगा। अपने ग्रुप में मैसेज चल रहा था है ना, किसी ने विवेक शंकर की बुक के बहुत चार पांच छह प्रश्न डाले थे, और बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने भी वो प्रश्न देखे थे है ना, और YouTube में भी इस बुक का मैंने रिव्यू लिया और बुक का देखा, तो बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें सन भी दिए हैं, तो क्रमबद्ध अध्ययन भी आपका होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और आपका इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये नगेंद्र जी की बहुत ही बढ़िया ये परिभाषा दी है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपश्री जी, सहस्रा जी, यस जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर जुड़ चुके हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो ज्वाइन मेंबर अवश्य बने, ठीक है। और जानकी मंगल की जो भाषा है वो क्या है, मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि जहां पर मंगल आए और जहां पर राम आए वो अवधि भाषा की रचनाएं हो जाती है तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई दोस्तों है ना, और 12 में आपको जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक बताई थी कि कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि भाषा में है, और यहाँ पर जानकी मंगल की पूछी गई, तो ये जानकी मंगल आया यानी कि आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी, अवधि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अलंकार पंचासी का किसकी रचना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतिराम का है ना, या फिर बोधा, घनानंद, आलम, ये किसकी रचना है दोस्तों, अलंकार पंचासी का आपको बताना है। मधुराज जी ने गोल्ड प्लान खरीदा है, किसने, मधुराज जी ने, तीन प्लान है अपने, सबसे पहला सिल्वर प्लान है, ठीक है, जो 59 रुपए पे करके आपको ये सिल्वर प्लान खरीदना है, दूसरा आपका गोल्ड है जो आपको 159, और तीसरा है डायमंड जो आपको 299, तो आपको खरीदना है दोस्तों और ज्वाइन मेंबर बनना है, ठीक है। और अलंकार पंचास क्या यहां पर पूछा गया, तो मतिराम यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकार पंचासिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मतिराम है ना, और आपकी मति यानी कि आपके भाव हमेशा होते हैं अलंकार करने के, अलंकार करने के, अलंकार पढ़ने के भाव होते कि नहीं होते, होते होंगे, मतिराम जी की है, ठीक है।
रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया कथन है दोस्तों। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति काव्यधारा हमने पढ़ ली है। और रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये बुक जो है दोस्तों, मैंने आपको जो बताई है, ये बुक सभी लोग खरीद लें, फिर मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, है ना। तो सभी लोगों को बुक खरीदना है। और रीतिकाल का कोई भी कभी भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, ये जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र साहब का है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है, आ नंबर आपका सही होगा। दोस्तों मैं कब से ढूंढ रहा था इस बुक को, और ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी, कौन सी, विवेक शंकर जी की, लेकिन अब जाके कहीं ये स्टॉक में है ना। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको पता होगा दोस्तों कि रामचंद्रिका ये केशवदास की भक्तिकालीन रचना मानी जाती है, और ये भक्तिकालीन जो रचना है दोस्तों इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और आपको पता होगा कि आदिकाल में एक रचना है पृथ्वीराज रासो है, और ये पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों इसे भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है ना। हिंदी साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर जी, और इसकी लिंक दी है आपकी डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे दी है साइट की जहां से आप खरीद सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी, उस लिंक का जो संबंधित व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको दिया है। कहीं आपको दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर में आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, और ये जो डिलीवरी है आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर जो कहा है वो आचार्य शुक्ल ने कहा है, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास की है, केशवदास, तो ये चीज भी आपको केशवदास को याद रखना। इनकी रचना है दोस्तों रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है ना, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सारी रचनाएं किसकी है? केशवदास जी की है, ठीक है। निश्चित दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, पंक्ति किस कवि की है? चार विकल्प हैं, 173 का आंसर आपको बताना है, तुलसी की है, सूर्य की है, बिहारी की है, या फिर कबीर की है। निश्चित दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, निकिता जी ने सेंड किया था, है ना, बहुत बढ़िया। और निश्चित दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, ये जो पंक्ति है प्रश्न क्रमांक 173, और 173 का उत्तर आपका सूरदास जी की है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, सूरदास जी की बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है तो क्या कहा है? दोस्तों अब बाद में आप लोग नहीं बोलना सर बुक बताओ, मैंने आपको बुक बता दी है पीजीटी के लिए भी और नेट के लिए भी, है ना, और आरपीएससी के लिए भी, ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक बुक है, ठीक है। बुक का नाम है हिंदी साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर, ठीक है, इसकी लिंक भी मैंने आपको साइट की नीचे दी है, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है नीचे, तो आप खरीद सकते हैं। और रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है तो क्या कहा है? रीतिकाव्य, क्या कहा है? रीतिकाव्य, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है, कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा किसने? विश्वनाथ ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। वहीं रीतिकाव्य जो कहा वो किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कहा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो आ नंबर बिल्कुल सही होगा। और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में इनका एक ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ये इनका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो एस जी दीप प्रकाश जी, ये सारे जो हमारे मेंबर हैं, ज्वाइंट मेंबर हैं, वो अलग ही दिखते हैं, उनका तिरंगा जो है वो अलग ही लहराता है। रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? वियोग श्रृंगार का प्रयोग, दरबारी रुचियों की जगह लोक रुचि, अभिव्यक्ति की जगह अनुभूति, अलंकार प्रियता। रीति मुक्त कवियों की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 175 का उत्तर हमें बताना है, कौन सी नहीं है? हाँ, कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, कलाकार, वेरी गुड। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये काव्यधाराएं, तीन काव्यधाराएं थी दोस्तों रीतिकाल की, और इनकी जो विशेषता नहीं है
वो कौन सी नहीं, रीति मुक्त की अलंकार प्रियता, यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा यहां पर, है ना, डी नंबर अलंकार प्रियता इनकी जो है विशेषता नहीं है और डी नंबर इनका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, आचार्य बामन थे, आनंद वर्धन थे, औचित्य थे या फिर भामह थे। रीति संप्रदाय के मैंने आपको कई बार याद करवाए हैं, सारे संप्रदाय याद करवा दिए हैं, बार बार मैंने आपको याद करवाए हैं कि ध्वनि संप्रदाय ये आनंद वर्धन का है, अलंकार संप्रदाय ये भामह जी का है, औचित्य संप्रदाय ये क्षेमेंद्र जी का है। तो रीति संप्रदाय किसका होगा, रीति संप्रदाय होगा बामन जी का, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन पच्चीकारी का नाम दिया, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये किसने दिया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़े पर महीन पच्चीकारी का नाम किसने दिया है, या महीन पच्चीकारी का नाम देने वाले जो विद्वान है वो कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर रामकुमार वर्मा, या फिर नगेंद्र है, तो कौन है ये हमें बताना है। चार विकल्प हैं, चार में से आपको सही बताना है। और प्रश्न क्रमांक 177 का आंसर आपका जो बिल्कुल सही होगा वो आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़े पर महीन पच्चीकारी का नाम दिया तो वो शुक्ल जी ने दिया है, और इस शुक्ल के कथन बड़े संभाल कर रखना है क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगला है, रीति काव्य धारा के प्रेम और श्रृंगार को गृहस्थिक कहा है तो किसने कहा है। दोस्तों रीति काव्य धारा के प्रेम और श्रृंगार को गृहस्थिक किसने कह दिया, डॉक्टर नगेंद्र साहब ने कह दिया, बिलास शर्मा ने, नामवार सेन ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने कह दिया गृहस्थिक। और अब जब रीति काल में बहुत सारे लोगों ने प्रेम और श्रृंगार की बात की, वहीं एक कवि था भूषण, जिसने वीर रस की जो है काव्य रचना की है, और भूषण का नाम घनश्याम और मणिराम था, जो हम आपको हमेशा बताते हैं, यानी कि आप तक रट गया होगा। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, रीति काव्य धारा के प्रेम और श्रृंगार को गृहस्थिक कहा है तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस कवि को भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में स्थान प्राप्त है, केशवदास को, मतीराम को, घनानंद को, या चिंतामणि को, किसको है दोस्तों भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में स्थान प्राप्त। प्रश्न क्रमांक 179 का उत्तर आपको बताना है, और 179 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि केशवदास, केशवदास यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कवि को भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में स्थान प्राप्त है तो वो है केशवदास को, क्योंकि इनकी जो केशवदास जी की रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका है ना, ये जो रचना है दोस्तों रामचंद्रिका, ये बहुत ही बढ़िया है और ये भक्तिकालीन मानी जाती है, छंदों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो केशवदास आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। लेकिन छंदमाला रचना हमेशा पूछी जाती है, ये किसकी है, भिखारीदास की है, भिखारीदास की तो हमने काव्य निर्णय, काव्य श्रृंगार निर्णय, ये भिखारीदास की पढ़ी थी रचनाएं। चंदबरदाई की तो हमने पढ़ी है, महाकाव्य इनका पढ़ लिया, पृथ्वीराज रासो। मैत्री शरण गुप्त के भी हमने पढ़े हैं, भारत भारती, साकेत, खंड काव्य भी इनका पढ़ा है, मैत्री शरण गुप्त का। तो छंदमाला जो रचना है ये किसकी है, केशवदास, है ना, केशवदास, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर, सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवदास की रचना का नाम है छंदमाला, और विकल्प नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। और भारत आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, दोस्तों जो हिंदी सम्मेलन है वो आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हिंदी सम्मेलन आप सभी को याद रखने, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, भारत में, न्यूयॉर्क में, मॉरीशस में, या फिर सूरीनाम में। आपको पता होगा दोस्तों कि पहला जो हुआ था वो कब हुआ था, नागपुर में हुआ था, अपने नागपुर, है ना, नागपुर में हुआ था पहला, और 2015 में भोपाल में हुआ था, है ना। और आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क, जहां पर यूनिसेफ का मुख्यालय है, किसका मुख्यालय, यूनिसेफ का, ये न्यूयॉर्क में है, और बी नंबर आपका
यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। भंवर गीत किसकी रचना है दोस्तों? भंवर गीत नंददास की है, नावादास की है, कुंभन दास की है, सूरदास जी की है। यहां पर दोस्तों ये क्या है, आपने पढ़ा होगा अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, 1565 में। लेकिन यहां पर यही पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग कुंभन दास को बता देते हैं, लेकिन वास्तव में है नावादास। नावादास ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते, इनकी एक रचना मानी जाती है कौन सी, भक्तमाल। और भंवर गीत जो रचना है वो किसकी है, नंददास जी की है, है ना। अपन ने नंद की भंवर पाड़ दी थी, बोले नंद की भंवर पाड़ दो, है ना। तो नंददास हैं, और नंददास भी दोस्तों याद रख लेना विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आ सही हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन माने जाते हैं? श्रृंगार रस के विरोधी कवि यानी कि कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास या फिर नंददास कौन माने जाते हैं श्रृंगार रस के? आपको पता होगा दोस्तों कि जो संत काव्यधारा थी, संत काव्यधारा में सबसे जो पढ़े लिखे थे वो श्रृंगार विरोधी थे। वो पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास, है ना। सुंदरदास ये सुंदर थे दोस्तों, इसलिए इनको श्रृंगार की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि यार हम श्रृंगार रस का विरोध करेंगे, है ना। ये सुंदर थे इसलिए सुंदर ने, सुंदर को श्रृंगार की जरूरत नहीं थी इसलिए इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध कर दिया, ऐसे याद कर लेंगे। और सबसे पढ़े लिखे थे तो सुंदरदास थे, और इन्होंने विरोध भी किया काय का, श्रृंगार रस का, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सोहिला किसकी रचना है? ये कई बार पूछी गई दोस्तों, सोहिला। सोहिला की रचनाकार कौन है? गुरु अंगद हैं, गुरु नानक हैं, गुरु रामदास हैं, या फिर गुरु अर्जुन देव हैं? अर्जुन देव भी यहां पर डी नंबर आपका अर्जुन देव है। तो कौन है? हाँ, सुंदर लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती है, तो सोहिला की रचनाकार भी हमें लिखना है, और सोहिला की रचनाकार आपके होंगे गुरु नानक। गुरु नानक यानी कि जो विकल्प नंबर आपके बी हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये चीज भी आपको याद रखनी, हमेशा पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। और जो फिलहाल सोहिला आपसे पूछा गया, तो सोहिला रचना किसकी है? गुरु नानक देव की, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रुक्मणी मंगल की रचयिता कौन है? रुक्मणी मंगल तुलसीदास जी हैं, नंददास जी हैं, लालदास जी हैं, ईश्वरदास जी हैं। ये चार में से बताना है रुक्मणी मंगल की रचना, है ना। और रुक्मणी मंगल इसके जो रचयिता माने जाते हैं, अब वो नहीं लगा देना कि सर मंगल आ गया, ये मंगल तो आ गया है लेकिन ये मंगल वाली रचना नहीं है अपनी। और ये किसकी है जल्दी से बताओ? ये दोस्तों नंददास की रचना है। किसकी? नंददास। रुक्मणी मंगल की रचयिता है नंददास, जानकी मंगल की रचयिता है तुलसीदास, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बहुत सारे लोग ए लगा देंगे, अभी देखो ए नहीं लगाना है, ये रुक्मणी मंगल नंददास जी की रचना है, जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है, है ना। कंफ्यूज नहीं होना रुक्मणी मंगल और जानकी मंगल में, है ना। तो याद रख लेना, रुक्मणी जी आपको पता है श्री कृष्ण से संबंधित हैं, और जानकी जी राम से संबंधित हैं। तो जानकी राम से संबंधित यानी कि राम काव्यधारा के तुलसीदास, और रुक्मणी कृष्ण से संबंधित तो कृष्ण काव्यधारा के नंददास, इसलिए रुक्मणी मंगल नंददास की और जानकी मंगल तुलसीदास की, इस प्रकार से याद कर लेंगे। अगला देख लो, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, या फिर निम्बार्क हैं? द्वैता द्वैतवाद हमने आपको याद करवाया था दोस्तों, कैसे करवाया था ट्रिक, किसी को अगर याद है तो वो बता देंगे कैसे। नींबू दे दे, नींबू दे दे के हम परेशान हो गए, हमने आपको याद करवाई थी दे दे, तो यहां पर आ गया क्या, दे दे, और दे दे के हम क्या परेशान हो गए, नींबू दे दे के परेशान हो गए, है ना। तो कौन होंगे? नींबू से आपका बनेगा निम्बार्काचार। ये द्वैता द्वैतवाद के कौन होंगे? प्रवर्तक होंगे, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अब गलत नहीं करना कोई भी, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं बताना है, है ना। द्वैता द्वैतवाद के कौन है? निम्बार्काचार, क्योंकि नींबू दे दे के हम क्या हो गए, परेशान हो गए, नींबू, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अबिदु गगन मंडल घर कीजिए, ये पंक्ति किसकी है? कबीर की
जायसी सूरदास या फिर तुलसीदास की अब्दु गगन मंडल घर कीजिए, बहुत ही बढ़िया रचना है। और ये रचना किसकी मानी जाती है दीप प्रकाश जी, किसकी मानी जाती है? अब्दु गगन मंडल रस घर कीजिए, और ये मानी जाती है कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास, यानी कि आपका जो ए नंबर है कबीरदास जी की, ये बिल्कुल सही होगा, अब्दु गगन मंडल घर कीजिए। ठीक है, हाँ, नींबू का अचार दे दो अंकुर जी पनवर, नींबू का अचार दे दो। हंगला हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिक बनाना भी सीख गए हैं, ट्रिक से पढ़ना भी सीख गए हैं और याद करना भी सीख गए हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारी रचनाएं थी, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ये बोलते हैं कि सर आपने हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट ला दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, रचनाएं याद नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं, मतलब मन नहीं लगता था हिंदी साहित्य में, लेकिन जब आपकी ट्रिक पढ़ी और आपका वीडियो देखा तो हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट आ गया, हिंदी साहित्य अब अच्छा लगने लगा। पहले ऐसा लगता था कि कौन पढ़े हिंदी साहित्य में, बहुत रचनाएं हैं, बहुत कवि हैं, बहुत कुछ है, बहुत भारी सिलेबस है इसका, लेकिन अब क्या है कि अच्छा लगने लगा और याद होने लगा और लगता है कि पढ़ते ही रहें ऐसा। ठीक है, तो हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा ने? तो हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा, रस हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जो आठ रस हैं, आठ रस माने भरत मुनि ने, नौवा रस जोड़ दिया शांत रस, फिर भक्ति रस, और फिर दोस्तों आपका बात्सल रस, बात्सल का चितेरा कवि सूरदास जी, है ना? तो यश जी, मधुराज जी, प्रदीप जी, है ना, हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा यानी कि आचार्य शुक्ल ने कहा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल जी ने माना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है तो क्या नहीं है दोस्तों? 189 का उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदी साहित्य तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी होता है, बहुत सारा चीज, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ो, कुछ अलग पढ़ो, हटके पढ़ो, हंस के पढ़ो, मजाक करके पढ़ो, वो चीज़ आपको याद हो जाती है। आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ते जा रहे हो तो आपको याद नहीं होता। अगर आप कुछ उसमें मिर्ची मसाला भरते हो तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है, है ना? अपने व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ते हो, अपने पारिवारिक ग्राम में जोड़ते हो, जहाँ पर हम रोज खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वो चीज़ आप स्टडी में करते हो तो निश्चित ही वो चीज़ याद हो जाती है। और पश्चिमी हिंदी का मैंने आपको याद करवाया था कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों से आपका बन जाता है कन्नौजी, खड़ी से बन जाता है खड़ी बोली, ब्रज से बनता है ब्रज भाषा, बुंदेली से बुंदेली, हरी से हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इन सारी को लिखना है दोस्तों, और यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो आपको पता है कि जो अवधि है, अवधि ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, और अवधि की मैंने आपको याद करवाई थी कि अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएं पूर्वी हिंदी की हैं, है ना? ये कोड भूल नहीं जाना, ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, है ना? ये आपको याद रखना है। कौन सा संचारी भाव नहीं है? शोक, अमर्ष, हर्ष या फिर गर्व? संचारी भाव बताना है, चार विकल्प हैं, और संचारी भाव आपको पता है कितने होते हैं, 33 संचारी भाव हमने पढ़े हैं, लेकिन 34वां संचारी भाव माना है किसने? छल नामक संचारी भाव मान लिया देव कवि ने, है ना? सभी को पता है, रटा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 34वां संचारी भाव जो माना है वो किसने माना है, तो देव कवि ने, यानी कि आपका यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा शोक। संचारी भाव नहीं है तो शोक नहीं है। शोक क्या है दोस्तों? स्थाई भाव की श्रेणी में आता है, है ना? तो हम बोलते ना कि जहां पर शोक नामक स्थाई भाव जागृत होता है वहां पर आपका करुण रस हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना, ये शोक स्थाई भाव है, संचारी भाव नहीं है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया? रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग बताना है दोस्तों, किसने किया है? रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बामन माने जाते हैं, बामन, है ना? और रीति शब्द के लिए जो मार्ग शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, बामन हैं, शुक्ल हैं, कुंतक या फिर भरत मुनि हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक जो अंगूठा है अपना वो दबा देना, ठीक है, लाइक जरूर करना है। बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंगूठे में दर्द होता है, और जहां दर्द होता है वहां बामन आपको लगा देना है,
आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर सही रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग करने वाले हैं वो बामन है और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? काव्य यश प्रदान करता है, काव्य अर्थ प्रदान करने का साधन होता है, काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है या उपरोक्त सभी। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मम्मट के अनुसार बताना है ना, आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में और भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हो और यहां पर आपको बताना है कि मम्मट के अनुसार काव्य का जो उद्देश्य होता है वो हो जाता है क्या? काव्य यश प्रदान करता है, ये भी होता है, काव्य अर्थ प्रदान करने का साधन है, ये भी होता है, काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है, ये भी आपका होता है। तब आपका जो उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला आपको बताना है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? अमान्य रस शांत है, विवश है, करुण है या फिर अद्भुत है? नाट्य शास्त्र द्वारा कारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है यानी कि 193 का उत्तर बताना है और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शांत रस। शांत यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, शांत। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य जो रस है वो शांत रस माना जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वाइन कर लें, फर्स्ट आपका प्लान है सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान आपको 59 रुपए पे करने होंगे। फिर गोल्ड प्लान है जिसमें आपको 159 रुपए पे करने होंगे। फिर आपका डायमंड प्लान है दोस्तों जिसमें 299 रुपए आपको पे करने होंगे और आप बन जाएंगे दोस्तों हमारे ज्वाइन मेंबर। ठीक है, तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था रामचंद्र शुक्ल, तो ये चीज आप सुधार लेना कि रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है और इसे छंदों का अजायब घर कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, इसको आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट बात करें कि रीति को मार्ग शब्द जो उपयोग किया है वो किया है कुंतक ने। किसने किया है? कुंतक ने, जो मैंने आपको बामन बताया था, तो ये भी आप सुधार लेंगे। ठीक है, रीति शब्द को मार्ग शब्द में जो है मार्ग शब्द जो प्रयोग किया है वो कुंतक ने किया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम रीति के बारे में कुछ जानेंगे यहां पर कि रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु में तिन प्रत्यय के योग से बना है जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग। ठीक है, और रीति शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के मार्ग, पंथ, भीति, पद्धति, प्रणाली, शैली इत्यादि अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं रीति शब्द के। तो रीति शब्द के आपको अर्थ होनी चाहिए, काव्य रीति का अर्थ पता होनी चाहिए कि किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पता होनी चाहिए। रीति की परिभाषा, आचार्य बामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और जो है दोस्तों काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है रीति रात्मा काव्यस्य, ये पूछा जाता है तो ये कहा है किसने? ये कहा है बामन ने। ठीक है, रीति का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने किया है दोस्तों। यहां पर देखो आचार्य बामन ने जो नामकरण है ना, वो आचार्य बामन ने क्या कहा? रीति, है ना। आचार्य कुंतक ने क्या कहा रीति को? मार्ग, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आचार्य मम्मट ने क्या कहा? वृत्ति। आचार्य आनंद वर्धन ने क्या कहा? पद संघटना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ ने पद संघटना, इन्होंने भी कहा। राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम। आचार्य दंडी ने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया है ना। आचार्य भरत मुनि ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य दंडी और कुंतक ने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का अपना जो टेस्ट है उसके बारे में। तो दो प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है वो कुंतक ने और दंडी ने किया है। ठीक है, और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुडेरी ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? ये चार विकल्प यानी कि 195 का उत्तर हमें बताना है। मधुराज जी उत्तर क्या हो जाएगा? और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं वो प्लीज ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और अगर आप लोगों की सहमति
बनी, आप लोग सहमत हैं कि जो ट्रिकी नोट्स हैं हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स हम बनवाएं, तो आप लोग सभी सहमति प्रकट करेंगे कि सर ट्रिकी नोट्स बनवाएं, जिसको आपको ट्रिकी नोट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसका खर्च देना पड़ेगा बनवाने का, टाइपिंग का, ये सारी चीजें। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम जो है साहित्य है, ये किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सोनु सिंह जी, दीप प्रकाश जी, ये सभी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं। और अगला क्वेश्चन है, रक्त या नसों में, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। तो रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, प्रश्न क्रमांक 196 का उत्तर हमें बताना है। और 196 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये पंक्ति इनकी है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने कहा है? दोस्तों ये चीज आपको बतानी है। और झरना जो रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। झरना रचना जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला जो माना है वो किसने माना है? ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं और चार में से आपको चयन करना है, वो उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी माना है किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 198 का आंसर, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? और प्रश्न क्रमांक 198 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी की जब भी बात होती है तो इनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है, निहार, रश्मि, नीरजा, ये इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी, कीर्ति चौधरी में से आपको पता है महादेवी वर्मा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और दोस्तों कीर्ति चौधरी के बारे में बता देना, आप कीर्ति चौधरी संबंधित हैं किसी विशेष संगठन से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, कीर्ति चौधरी के बारे में आप ही बताएंगे। और अगला आपको बताना है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 195 है। हाँ बहुत बढ़िया, सजल गीतों की गायिका भी इन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। यस कुरैशी जी, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो अधिकांश लोगों को पता है। और ये सर्ग आपको क्रमबद्ध याद करने हैं, आपसे पूछा जाएगा कामायनी के जो सर्ग हैं उनको क्रमबद्ध कीजिए, है ना, रामचरितमानस के कांड को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये सर्ग और दोस्तों ये कांड जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्रमबद्ध पूछे जाते हैं। रीनू शर्मा जी, मधुराज जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ज्वाइन मेंबर बन चुके हैं। और 15 यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 में ये महाकाव्य जो है प्रकाशित हुआ था, कामायनी। और अगला है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। वेरी गुड, कुरैशी जी ने बता दिया है कि जो कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी ये तार सप्तक से संबंधित हैं, है ना, तार सप्तक से संबंधित कीर्ति चौधरी। और तार सप्तक का वीडियो मैंने डाला है, यशरत्ती जी, है ना, बहुत बढ़िया सोनू सिंह जी। और इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको बताना है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, है ना, लोकायतन, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास, या फिर कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास और साकेत। तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 200 और क्या हो जाएगा सही आंसर? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और अंत में लोकायतन, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है,
प्रिय प्रभास, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, साकेत आपको पता है मैत्रण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद है ना 1914, 1931 और 1935 है ना, बहुत बढ़िया, और लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। तो इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल। तालु में जीव ना लगने का अर्थ है, मुहावरा एवं लोकोक्ति से प्रश्न है, मुहावरा है तालु में जीव ना लगना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मतलब चुप ना रहना। अपन कहते भाई तालु से जीव तो लगा लो, थोड़ा चुप तो हो जाओ, तो बोई ठीक है। आगे देखें, ठन ठन गोपाल का अर्थ है, आपने देखा होगा ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे छांट के लाए हैं, ठन ठन गोपाल, बिल्कुल सही, ठन ठन गोपाल मतलब कंगाल। ठीक है दोस्तों, हम पूरी व्याकरण कंप्लीट ले रहे हैं अपने इन प्रश्नों में, कुछ भी नहीं छूटेगा व्याकरण से संबंधित, जो हिंदी की व्याकरण में पूछा जाता है वो हमारी इस पीडीएफ में उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए आप क्रम से हमारे पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल की आप जरूर देखिएगा, और आगे की वीडियो के लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। खून पानी होने का अर्थ है, खून पानी होना मतलब कोई असर ना होना। ठीक है आगे देखें, माथा ठन ठना का अर्थ है, माथा ठन ठनकना, माथा ठनकना, सॉरी ठन ठना बोल दिया, माथा ठनकना का क्या अर्थ है जल्दी से बता दें। माथा ठनकना अपन नहीं बोले भी, माथा ठनक रहा है आज तो मेरा, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है आगे, थाली का बैगन, बेरी बेरी आई एम पी ले लेना, इसको मैंने भी कई पेपर दिए उसमें पूछा गया, थाली का बैगन मतलब कहलाता है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली में जैसे बैगन रख दो कभी यहाँ डोलेगा कभी वहाँ डोलेगा, कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब सिद्धांत विहीन व्यक्ति, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास वाली। ठीक है तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे देखें, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, जल्दी इस मुहावरे का अर्थ बता दें, आज जो जो महत्वपूर्ण मुहावरे आते हैं यहाँ पर सब कवर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने का हो जाएगा कि अनुभव होना, पन नहीं कहते भाई इतना अनुभव कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लें। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, मांगे भीख पूछे गांव की, मतलब भीख मांगता है लेकिन गांव की बिल्कुल पूछ ही रख रहा है भैया क्या चाहिए आपको, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी असलियत भूल कर बात करना। ठीक है क्या हो जाएगा, अपनी असलियत भूल करके बात करना। आगे देखें और महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए कोई इस इरघाट तो कोई बिरघाट का अर्थ क्या है। ठीक है कोई इरघाट कोई बिरघाट मतलब कोई तालमेल ना होना, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, जाके पाओ ना फटे बिबाई, ठीक है फेमस लोकोक्ति है, सो जाने क्या पीर पर आई का क्या अर्थ है, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके कभी पैर नहीं फटे बिबाई नहीं हुई उनको, वो क्या दूसरों की पीड़ा को जानेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है आप डेली यूज में लेते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ, कई अपने बड़े बुजुर्ग लेते हैं, बस हमें समझना है जब पेपर में आ जाए कि किस अर्थ में लेते थे। दोस्तों लाइक जरूर कर देना एक बार वीडियो को यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो। तो अगला है, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या है, जस दूल्हा तन तस बनी बराता, दो ऑप्शन ए दिए हैं और देख लें, इसका सी ठीक है, सभी साथी एक ही जैसे, मतलब जैसे दूल्हा हैं वैसे सब बराती हैं, सब साथी एक जैसे हैं। आगे देखें, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। ठीक है आडंबर बहुत है लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति बतानी है, तो इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब दुकान तो ऊंची है लेकिन फीका क्या है, पकवान है। ठीक है इस प्रकार से कई बार आप यूट्यूब का किसी का थंबनेल देखते होंगे कि बिल्कुल आप कमाए 10,000 रुपये, उसको खोल के देखो उसमें बात कुछ और बता रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब ऊंचा पकान पकवान फीकी दुकान, चोर चोर खाली स्थान भाई, कैसे भाई, ऐसे टाइप के मैंने देखा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सीधे कहा चोर चोर मौसेरे भाई, कहते हैं ना लगा के देख लिया करें, याद कर लिया करें, कभी सुनी हो। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, जल्दी से बता दें, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, छोटे लोगों को मुँह लगा लो ना तो अनुचित मतलब बात करते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है दोस्तों वो मुहावरे लोकोक्तियाँ ली हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो आज इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं।
कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, कुम्हार होता है घड़ा बनाता तो अपने ही सराहता, इसका क्या अर्थ हुआ? तो अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। कभी कोई खाना बनाए तो बोलता अरे भैया मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। ऐसा गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी का क्या अर्थ है? गए थे रोजा छुड़ाने लेकिन नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ यही है कि भैया उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ये लोकोक्ति है भैया, उन्होंने कहा रोजा छुड़ाने गए थे, उन्होंने कहा नमाज और पढ़ने का नियम ले लिए, नमाज और पढ़ो। तो ऐसा ऊधो का लेना ना माधो को देना, ये भी कई बार पूछी गई है। ऊधो को लेना ना माधो को देना, मतलब क्या हो गया? अपने काम से काम, कोई से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से बहुत अच्छी लोकोक्ति है दोस्तों, आनंद भी आता है। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, सही लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी की जरूर जाना, और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने सब प्रकार की मतलब हिंदी व्याकरण ली है, टोटल कवर हुई है, साथ में काव्यशास्त्र के भी ले लिए, भाषा के भी ले लिए, सारे प्रश्न हुए हैं, तो आपका कोई छूट ना जाए, ठीक है? तो उपाय वही सफल और श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी भी मानना पड़े, इसका किसके लिए क्या हो जाएगा? तो मतलब जादू वही जो सिर चढ़ करके बोले। वही देखो राम नाम जपना पराया माल अपना, वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये लोकोक्ति है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? धोखे से धन जमा करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, ये भी आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है। मतलब क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाँ बिल्कुल सही, झूठा दिखावा करना। की पैसे है नहीं लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे हैं, कपड़े पहन रहा है, बड़ी चश्मा लगा रहा है, कर्ज ले ले करके जी रहा है, ऐसा नहीं। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका क्या अर्थ है? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया, ऐसा कहते ना, तो गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका क्या हो जाएगा? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु से भी आगे निकल जाता है ना चेला, तो क्या कहते हैं? गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया, वही वाली बात है। कोयले की दलाली में मोहकाले का क्या अर्थ है? बिल्कुल, मैंने देखा कई पेपरों में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो कोयले की दलाली का क्या अर्थ है? कोयले की जो दलाली का अर्थ है वह है बुरे काम से बुराई मिलना। दोस्तों लास्ट में हम प्लेलिस्ट इसमें लगा देंगे वीडियो में, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे आपको वीडियो इसके खुल जाएंगे। 100-100 प्रश्न के भी कुछ वीडियो अपलोड हैं और कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे भी हैं, आप जैसा पढ़ना सके समय हो पढ़ें। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के नाम चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते, चूहे के नाम चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते, जल्दी से बता दें इसका हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, साधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते फल कम मिलता है, तो ऐसा नहीं। जैसे कई लोग पढ़ते रहते भयंकर पढ़ते लेकिन पेपर में जाते हैं तो सब स्वाहा हो जाता है, रात भर पीसा पारे से उठाए जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसे नहीं। अपन को स्मार्ट पढ़ाई करनी है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाए। मान लो पढ़ रहे हैं एक घंटे की क्लास पढ़ी, उसमें केवल 20 क्वेश्चन पढ़े ना, उसमें अच्छे से चर्चा की, आलतू फालतू की बातों में निकाल दिए, तो क्या मतलब निकला? 20 क्वेश्चन पढ़ो तो वो सार गर्भित हों। एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ाई, कई बार आपने सुनी होगी। तो बुरे का और बुरे के संग होना, कि एक तो बुरा है ही और ऊपर दूसरा और मिल गया, इस प्रकार से, ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है तो अपराधी और निरपराधी का, ठीक है, अंतर करना कठिन है। अपराधी और निरपराध का, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है।